अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से जो पूरा बैरिकेड और कटीले तारों को दिल्ली पुलिस ने किया था उसका एक हिस्सा यहां पर किसान अपने साथ खींचकर ले जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से ले करके किसान जा रहा है, जबकि जो किसान अंदर आए हैं वो धक्का दे करके क्रेन को पीछे करना चाहता है। कुछ किसान अंदर की तरफ आ चुके हैं, टकराव की स्थिति है। किसान क्रेन को धक्का देकर अंदर वापस भेज रहे हैं दिल्ली पुलिस के, जबकि जो बैरिकेड है और जो कटीले तार थे उनको दिल्ली पुलिस से खींच करके किसान अपनी तरफ ले जा चुके हैं, यानी दिल्ली पुलिस का बैरिकेड। और दूसरी तरफ देखिए एक और सीन, एक और मंजर, किस तरीके से यहां भी तारों को तोड़ने के लिए लाठियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों किसानों के हुजूम को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। कुछ किसानों के ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हैं और उसके पास से दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल देरी नहीं की और तुरंत 3 ट्रैक्टर पहुंचे और उसके बाद आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए। पुलिस ने किसानों को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह की कोशिश की, हर जतन किया, लेकिन कोई भी इंतजाम किसानों को रोकने में कारगर साबित नहीं हुआ। किसानों के जत्थे के आगे दिल्ली पुलिस बेबस नजर आई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन किसानों के कदम पीछे नहीं हटे। पहला बैरिकेड से कुछ देर पहले तोड़ा गया और उसके बाद पत्थरबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार पुलिस उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहला बैरिकेड उन्होंने गिरा दिया और उसके बाद की तस्वीरें देखिए किस तरीके से इधर लगातार पत्थरबाजी हो रही है। काफी तेज पत्थर उधर से मारे जा रहे हैं। कोशिश है पुलिस की इन्हें समझाने की, काफी देर से समझाया भी जा रहा था। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।